Fine. I don't think it's the nature. उमर ने तो पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि ऐसे ही करते हैं वो उसके साथ। क्यों? I don't know. बहुत ही कोल्ड अजीब सा रिलेशनशिप है दोनों में। असल में उसकी माँ ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है ना अंकल के साथ। I'm sure उसी का ग्रज होगा। कैसा मुश्किल वक्त? उसके डैड की कोई एक्स लवर थी जवानी में। अपेरेंटली बहुत लो लेवल गोल्ड डिगर टाइप थी। खैर शादी तो नहीं हुई लेकिन अंकल आंटी के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे उसके बाद। गलतफहमी हुई होगी उमर को। माँ बाप के इख्तलाफ में बच्चों के जहन अक्सर बायस्ड हो जाते हैं। कुड बी। और उमर अटैच भी बहुत था अपनी मॉम के साथ। लेकिन माँ उसके डैड ने उमर के साथ कौन सा बहुत अच्छा सलूक कर लिया? चला बताते हैं जिंदगी भर नफरत ही मिली है उसको। ऐसा नहीं हो सकता, ये भी उमर की गलत है। आप इतना क्यों डिफेंड कर रही हैं? कह रहे बुरे आदमी लगते ही नहीं। वैसे भी इकलौता बेटा है उमर उनका, तो क्यों नफरत करेंगे? मेरा बाप मुझसे क्यों नफरत करता? वो तुमसे नफरत नहीं करता, बस हालात ही कुछ ऐसे हैं कि। गॉड सेक मां, हर बात का इल्जाम हालात को क्यों देती? कुछ इल्जाम आप लोगों के सर पे भी रहने दे सकती हैं, इट्स फाइन। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने बाप से महरूम हो। ऐसे भी तुम्हारी शादी के बारे में उनसे दूसरा वजह पूछना नहीं, बताना। बाप ने तुमने सारा और क्या किया है बाप ने सारी उम्र जो अपना उनसे परमिशन? माँ आपको बताना है, आप शौक से बताएं। फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट इवन वांट दैट। यूर अ गुड गर्ल, यू नो दैट। देखिए तुम्हारे हुसन के नाम बीच रात 8 बजे, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।